नमस्कार, आप देख रहे हो रायपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर डालते हैं दिनभर की बड़ी खबरों पर। राजनीति में भाजपा से भी भारी निकली उदयपुर की खाकी। थप्पड़ विवाद की जांच करने वाले अधिकारी पहले से थे अवकाश पर, आखिर कहां गए सीसीटीवी फुटेज। कालीवास प्रधान पुष्कर देली के विरोध में वाल्मीकि समाज ने दी राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी। गोगुंदा के राजपूत और भाजपाइयों ने किया अपने प्रधान का समर्थन, कांग्रेस पर लगाए फसाने के आरोप। स्मार्ट सिटी के बिगड़े हालातों को देख पर्यावरण प्रकोष्ठ ने मुंह पर रुमाल बांध किया विरोध। सीवरेज लाइंस की वजह से बिगड़ी शहर की फिजा। और केंद्रीय रेल सेवक ने किया उदयपुर स्टेशन का औचक निरीक्षण। मोलेला आर्ट देख हुए अभिभूत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खाकी की चाल की। इन दिनों शहर में सिर्फ एक ही बात चर्चाओं में है कि आखिर जीत किसकी हुई, सत्तारूढ़ पार्टी, भाजपा या पुलिस विभाग। सभी इसी पशुपेश में है कि हेलमेट विवाद के दौरान थप्पड़ पड़ी भी थी या नहीं, क्योंकि उसकी गूंज तो अभी तक पूरे शहर के कानों में सुनाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत संगठन के इस्तीफा दे चुके कद्दावर पदाधिकारियों की साख पर भी बनाई है। ऐसे में वे लोग भी यह कहकर सफाई दे रहे हैं कि सिपाही को हटाना था, हट गया। जिन्होंने ओम कुमार को लाइन हाजिर करने के लिए प्रदर्शन किया था, वे ही बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन खाकी के दिग्गजों ने भी इस बार तगड़ी राजनीति की है। विवाद की जांच के लिए जिस अधिकारी को चुना गया है वह खुद तो अवकाश पर कोटा गए हुए हैं। ऐसे में शहर में इन दिनों सबसे गर्म मुद्दे को शांत करने के लिए चली गई खाकी की चाल भी सफल होती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया को दिए बयान में डिप्टी गोपाल सिंह भाटी ने सीसीटीवी फुटेज को देखने की बात कहते हुए अपने सिपाही का समर्थन किया था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर वह फुटेज है कहां, क्योंकि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी की माने तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है तो दिखाए, उससे साफ हो जाएगा कि गलत कौन है। अगर मेरा कार्यकर्ता गलत हुआ तो उस पर संगठनात्मक कार्रवाई होगी, और नहीं हुआ तो कांस्टेबल को लाइन हाजिर करना ही होगा। ऐसे में अब खाकी भी पशुपेश में दिखाई दे रही है, क्योंकि दहली गेट पर तो काफी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी खराब हो। वैसे प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे ने कुछ दिनों पूर्व निगम के पीछे बने अभय कमांड केंद्र का उद्घाटन भी किया था, जिसके तहत काफी सीसीटीवी तो लग भी गए हैं और उसमें से दहली गेट में लगे कैमरे भी शामिल हैं। वैसे अभय कमांड केंद्र तो अपराधियों के फोटो को स्कैन करने की नई तकनीक भी लाया है, जिससे कोई भी अपराधी इन कैमरों की नजर से बच नहीं पाएगा। जब इतने शानदार कैमरे लगाए गए हैं तो फिर उस दिन हुआ घटनाक्रम तो जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा विवाद हो गया है और वह कैमरे में कैद तो होगा। अगर नहीं मिलता है तो खाकी की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब सारा डाटा उन्हीं के पास है तो फिर सार्वजनिक करने में दिक्कत ही क्या है। दानमंडी थाने में गए थे और दानमंडी थाने के अंदर वहां पर डिप्टी साहब और सब आए थे, तो उनको कहा कि इसको आप जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी आप देखिए, अगर मेरा कार्यकर्ता गलत पाया जाता है तो मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, लेकिन अगर आपका जो नौजवान है अगर वो गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कीजिए। तो देखा आपने, अभी तक थप्पड़ विवाद वही का वही है, क्योंकि जांच अधिकारी के अवकाश पर जाने से निराकरण नहीं हो पा रहा है और जनता के बीच भाजपा की साख का भारी प्रभाव पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर जब उदयपुर न्यूज ने पार्षद का चुनाव लड़ चुके यूथ कांग्रेस के लोकसभा महासचिव दिनेश भोई से बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजयुमो और भाजपा द्वारा किया गया यह हंगामा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हेलमेट अभियान के दौरान खाकी की हठधर्मिता के विरोध में सबसे पहले ज्ञापन यूथ कांग्रेस ने ही दिया था और प्रशासन से इस अभियान में थोड़ी शिथिलता लाने की बात की गई थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह सिर्फ पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के अलावा कुछ नहीं है। मैं जानना चाह रहा था कि जो इन दिनों पुलिस ने जो हेलमेट अभियान का जो चलाया है और इस दौरान आपने भी एक ज्ञापन दिया था। अच्छा, हाँ हाँ, तो हमने भी था ना अभी। वो क्या था, ज्ञापन क्या था? हमने तो जो यातायात व्यवस्था जो बिगड़ रही थी उदयपुर शहर की जी, और उससे उसमें जो हेलमेट की पहन के भी जा रहे हैं तो भी वो बैरिकेड लगा के अगर चालान काट रहे थे तो बहुत अव्यवस्था हो रही थी, उसके खिलाफ हमने हेलमेट के खिलाफ नहीं दिया और हमने हेलमेट के सुधार के लिए भी दिया था कि शहर में हेलमेट की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रताप नगर गोर्धन विलास की तरफ हाईवे पे ज्यादा है। उदयपुर शहर की जो गलियां है वहाँ हेलमेट की मेरे हिसाब से इतनी आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन
अभी कुछ दिनों पूर्व जो डेलीगेट पर जो मामला हुआ है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, युवा मोर्चा के लोगों ने जो दान मंडी थाने में घेराव किया और हंगामा जो किया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, मेरे हिसाब से ये कोई राजनीति है कि किसी विशेष समुदाय को के वोट के रिझाने के चक्कर में। बाकी अभी तक पुलिस जांच जो जांच में है, अभी पुलिस की गलती है या इनके कार्यकर्ता की गलती है, अभी तक अपन यह नहीं कह सकते कि पुलिस की ही गलती है। हो सकता है सत्ता के नशे में इन्होंने कोई गलती की हो। कांस्टेबल को लाइन हाजिर करने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है ये कितना सही है? सर, अब सत्ता में होते हुए इनको इतना कुछ करना पड़ा, मतलब गृह मंत्री के जिले में कोई भी ये सारी व्यवस्था है। अगर ये हेलमेट की बात नहीं करें, बस पूरे उदयपुर शहर की इतनी सारी समस्या है, उनका सोल्यूशन नहीं मिला है। और हेलमेट की अगर बात करें तो ये बहुत बिल्कुल गलत है कि किस पुलिस वाले किसी सिपाही के खिलाफ आप दबाव बनाकर उसको हटाया जा रहा है। लेकिन अगर पुलिस की गलती है या इनके कार्यकर्ता की गलती है तो ये तो जांच के बाद पता चलेगा किसकी गलती है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनमें जी हमसे बात करने के लिए। चलिए अब फिर चलते हैं गोगुंदा पंचायत की ओर, जहां चल रहा गालीबाज प्रधान का विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पूरी करणी सेना और गोगुंदा के कई राजपूत संगठन मोड़ी प्रधान के पक्ष में आंदोलन पर जाने की तैयारी में है, वहीं कर्मचारी संगठन भी बीडीओ के समर्थन में पैन डाउन हड़ताल में है। ऐसे में वाल्मीकि समाज की ओर से भी मंगलवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें प्रधान पुष्कर तेली के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अपील भी की गई है। साथ ही यह भी कहा कि पुष्कर तेली ने मोड़ी सरपंच प्रहलाद सिंह झाला से बात करते समय अपशब्दों के साथ वाल्मीकि समाज के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है। सार्वजनिक तौर पर समाज के बारे में अपशब्द कहे, जिसके लिए प्रधान पुष्कर तेली के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा वाल्मीकि समाज राज्य स्तर पर आंदोलन करेगा। तो देखा आपने, करनी सेना कर्मचारी संघ के बाद अब तो वाल्मीकि समाज भी प्रधान पुष्कर तेली के खिलाफ हो गया है। ऐसे में अब यह बात साफ हो गई है कि गालीबाज प्रधान ने कुछ तो किया ही होगा, वरना माहौल इस तरह नहीं बिगड़ता। खैर, प्रधान पुष्कर तेली के समर्थन में गोगुंदा के राजपूत समाज के लोगों के साथ भाजपा के पदाधिकारियों ने भी मंगलवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते हुए श्री तेली के पाक साफ होने की बात की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की अपील की है। सायरा के उपप्रधान राघवेंद्र सिंह बरवाड़ा का कहना था कि प्रधान को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है, न तो उनकी सरपंच से कभी कोई बातचीत हुई है, न ही बीडीओ से विवाद हुआ है। मोदी सरपंच कांग्रेस समर्थित है और इसलिए कांग्रेस का यहां पर इस तरह की राजनीति करके माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रधान लाल सिंह झाला, जो कि वर्तमान में तिहाड़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, उनके और पुष्कर तेली के पिता के बीच लंबे समय गोगुंदा बाईपास स्थित एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। इन सभी ने षड्यंत्र कर प्रधान श्री पुष्कर तेली को झूठा फंसाया है। वह मोबाइल रिकॉर्डिंग जो प्रहलाद सिंह झाला ने की है, उसकी और प्रधान तेली की आवाज की जांच भी जल्द से जल्द करवाई जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछले चार सालों से विधायक मोदी द्वारा और हमारे गोविंदा प्रधान जी पुष्कर जी द्वारा अच्छे विकास काम मोड़ी में करवाए गए हैं, तो उन्हीं से द्वेषतापूर्ण रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लोग, जो कि जो सरपंच साहब हैं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी समर्थित है, उन्होंने बिल्कुल एक राजनीतिक घटनाक्रम बनाते हुए हमारे प्रधान जी को, हमारे पार्टी को बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश की, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने बताया है कि भाई हमें कोई गाली गलौज दी गई, जबकि हमें जहाँ तक ज्ञात है नहीं तो प्रधान जी ने अपने नंबर से कोई फोन किया है, और नहीं भी यहाँ के पदाधिकारी हैं बड़े बड़े, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए या एक माहौल खराब करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कोई मात्र नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हमारी सरकार बनने के बाद पूरे क्षेत्र में सैकड़ों विकास के बड़े बड़े काम हुए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये झूठा झूठा एक आरोप लगा रहे हैं और समाज को इसमें घसीट रहे हैं, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रधान साहब द्वारा जो गांव में विकास कार्य करवाए गए, जो किसी और मद से करवाए गए, एमएलए फंड से, जो भी फंड से करवाए, लेकिन उस फंड में भी हमारे वहाँ के सरपंच द्वारा उनको गलत बताना या गलत तरीके से और उनका विरोध करना, ये उनका एजेंडा। और उसके बाद प्रधान जी को गलत गाली गलौज की कोई ऑडियो वायरल किया, वो बिल्कुल गलत है। उसमें प्रधान जी ने खुद ने खंडन किया है कि ये बिल्कुल गलत है, मेरी आवाज़ नहीं है। और उसके बाद में भी इस वीडियो में, ऑडियो में राजपूत समाज के लिए कोई किसी तरह का कोई गलत शब्द नहीं बोला, ना समाज को कोई गलत कहा है, लेकिन समाज को इसमें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेगी एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट, उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर।
रायपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साखरोदा टोल से पहले मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी आबादी के मध्य 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर साखरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड, नियम व शर्तें लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स, एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294-247-0625, 9829632125 और 8004-984-3। भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इम्प्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क, वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। फोन 0294-241-4256, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी टू व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने टू व्हीलर वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BM कॉलेज, उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी इना मीना ऑन वीणा शंभो शिकारी। हेलो अफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरास्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शार्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल, सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज। शॉप नंबर 56,
सत्यम स्ट्रीट अपोजिट पुलिस स्टेशन गोवर्धन विलास उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में। एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री मात्र 231 रुपए। स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें, 900 वर्ग फुट पर मात्र 14200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें, 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22500 रुपए डाउन पेमेंट, 5000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देवारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम की ओर से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में जगह जगह पर डाली जा रही सीवरेज लाइन को लेकर लोगों को हो रही परेशानी के चलते मंगलवार को कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं और नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता ने मुंह पर रूमाल बांधकर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया। पर्यावरण प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने आयुक्त को बताया कि शहर में जगह जगह पर सिविल लाइन डालने के बाद भी सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और धूल मिट्टी उड़ने से दुपहिया वाहन उस सड़क से गुजर नहीं पाते हैं। लेकिन निगम के ठेकेदार अपनी मनमानी के चलते समय पर काम नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर तो कार्य पूरा होने के बाद भी वहां पर डामरीकरण नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को दुपहिया वाहन से निकलना मुश्किल हो रहा है। कार्यकर्ताओं की ओर से दिए गए ज्ञापन के बाद आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि जिन जगहों पर काम पूरा हो गया है वहां पर डामरीकरण का कार्य बहुत जल्द करवा दिया जाएगा। बोले जो मोबाइल में जो सर अभी काम चल रहा है ना, उसको आप पक्का वापस कीजिए सर, वो बिल्कुल बेतरतीब से बेहतर बनाकर उनको भी मैं उसकी पालना नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखा अच्छा काम है सीवरेज है आगे जाके लागू वहाँ पे हिरन मगरी में। तो मैं परसों देख के आया हूँ, वहाँ पे 5.5 किलोमीटर चल रहा है। जैसे अपना 5.5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का पैचवर्क हमें बिलो स्टैंडर्ड मिला है, जिसको रेक्टिफाई करा रहे हैं। और दूसरी जगह जहाँ पे अपना पोलो ग्राउंड एरिया में पूरे में चल रहा है गोपालपुरा और वो सारा, वहाँ पे 30 किलोमीटर का हुआ है, जिसमें से 22 किलोमीटर का हमारे ऊपर डामरीकरण हो चुका है। वहाँ जो आप कंप्लेंट बता रही होंगी मैंने खुद नहीं देखा, वो मैं एक बार खुद देख के और फिर उसको बता पाऊंगा क्या उसमें इशू है। मैं गली का एग्जैक्ट बता रहा हूं, इशू जो है कोई बात नहीं, एक बार याद कर दी, ये तो जनरल सा है, जो स्पेसिफिक पूरा एरिया विजिट कर दो, वहां तो सारे टूटे वो हमारा काम। 2 नंबर 7 नंबर मोहसिन जी, वो UIT का काम है, उसको मैं वो नहीं कर सकता, ना मेरा ठेकेदार है, उसको रेक्टिफाई मैं नहीं करवा पाऊंगा, वो आपको वहां बताना पड़ेगा। इन वाला जो काम है वो मेरा काम है। एक तो लोकेशन बताना है यार, मालूम कर लो एक बार, क्योंकि जो आप बता रहे हो। आज नगर निगम आयुक्त को शहर में उड़ रहे धूल के गुब्बार और सड़कों पर फैली अव्यवस्था के चलते ज्ञापन दिया गया, और ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया कि शहर में सीवर लाइन का जो काम चल रहा है, उस काम के चलते हुए सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, आम जनता और आम लोगों में असुविधाएं फैल रही हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। बार बार नगर निगम प्रशासन को इस बारे में मीडिया के माध्यम से भी
और लोगों के माध्यम से भी चेताया जा रहा है, परंतु नगर निगम प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। और दिन ब दिन इस बोर्ड में, जब से ये बोर्ड बना है, नगर निगम की व्यवस्थाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाओं को पूरी तरह से नगर निगम देने में असमर्थ रहा है, और व्यवस्थाएं खराब ही होती जा रही हैं शहर की। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद शहर को एक अच्छा स्वरूप मिलना चाहिए था, परंतु आज नगर निगम प्रशासन के ये हालात हैं कि वो शहर में जनता की आम सुविधा को देने में भी सक्षम नहीं है, और आम सुविधा तो जनता तक पहुंचनी चाहिए, वो अभी तक पहुंच नहीं पाई है। और आगामी दिनों में भी मुझे नहीं लगता कि नगर निगम प्रशासन लोगों का विश्वास जीत पाएगा और लोगों को सुविधाएं दे पाएगा। आज नगर निगम आयुक्त को शहर में जो सीवरेज का कार्य चल रहा है, जिससे धूल का गुब्बार शहर में उमड़ा पड़ा है, और ठेकेदार अपनी मनमानी से कलेक्टर साहब के आदेश के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं कर रहा है, जिससे और जहां सीवरेज का काम इन्होंने पूर्ण कर दिया है वहां भी इन्होंने अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया है, तो उससे जो धूल से असुविधा हो रही है, बच्चे बूढ़े सांस के मरीज बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको मुंह पे रुमाल बांध कर घर से निकलना पड़ रहा है, उसी संदर्भ में आज हमने नगर निगम आयुक्त साहब को चेहरे पर रुमाल बांध के पूरी कार्यकारिणी के साथ ज्ञापन दिया था, जिनमें हमारे नेता प्रतिपक्ष मोहसिन भैया साथ थे, और उन्हें इस बात से अवगत कराया कि सर जो परेशानियां हो रही है सांस और बीमारी की, उस पर कब ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि महापौर जी को कहना कुछ भी बेकार है, क्योंकि उनके पास कार है, वो कार से निकलते तो उनको धूल का एहसास नहीं होता, लेकिन आमजन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो शहर में जो बाइकों पे निकलते हैं, उनको जो असुविधाएं हो रही है महिलाओं को, उससे हमने आजत कराया, तो अब इन्होंने आयुक्त साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि मैं खुद उन जगह पे जाऊंगा और आप मुझे उस जगह को चिन्हित करके बताइए, मैं कार्रवाई करूंगा और ठेकेदार को तुरंत प्रभाव से पाबंद करूंगा। केंद्रीय रेल सेवक पीयूष गोयल अपने उदयपुर राजसमंद के निजी प्रवास के दौरान अचानक उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हालांकि रेल सेवक के उदयपुर में होने के चलते रेलवे के आला अधिकारी उदयपुर पहुंच चुके थे। ऐसे में दौरे के दौरान डीआरएम सहित अन्य रेलवे के आला अधिकारी मौजूद रहे। निजी यात्रा पर आए पीयूष गोयल श्रीनाथ जी दर्शन के बाद एयरपोर्ट जाने के बजाय सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां खड़ी ट्रेन का पूरा निरीक्षण किया। केंद्रीय सेवक ने ट्रेन की बोगियों में जाकर उनकी स्थिति और शौचालय देखे, तो वहीं स्टेशन की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। स्टेशन पर बने सुलभ शौचालयों में जाकर उन्होंने साफ सफाई का भी अवलोकन किया। इस दौरान दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर और फोल्डिंग रैंप की जानकारी भी ली। रेल मंत्री ने व्यवस्थाओं की तारीफ जरूर की, लेकिन उसके साथ ही सफाई के जरूरी निर्देश भी दिए। यही नहीं, उदयपुर रेलवे स्टेशन पर बनाई गई कलाकृतियां और मोलेला आर्ट के बारे में भी केंद्रीय सेवक ने जानकारी जुटाई। सर क्यों सर, पीएम मोदी भी आए, पीएम भी यही है, उनका बड़ा प्रोग्राम आज वो कवर हो रहा है। रिएक्शन बहुत सुंदर स्टेशन है, अच्छा साफ सुथरा, अच्छा लगा देख के। सर रिफाइनरी पे आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो पीएम साहब बोल रहे हैं। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों, फिर कर फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नील कंठ पे नजर पड़ी। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में फिलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ मदरहुड। थैंक यू नीलकंठ।
झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली फ्रेंड्स गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, एड्रेस हिरन नगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 0294-2460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ। कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपए डाउन पेमेंट और 3100 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपए डाउन पेमेंट और 3600 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपए डाउन पेमेंट और 4700 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूरिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल 7340034134-8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ। काफी भीड़ भी जमा हो गई थी, भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में चल रही श्री विष्णु पुराण कथा के दूसरे दिन मंगलवार को संत लोकेशानंद ने नारायण भक्तों को गुरु और मंत्र की महिमा बताई। कथा को आगे बढ़ाते हुए लोकेशानंद ने भक्त ध्रुव, नामदेव और तुकाराम की कथाओं का वर्णन करते हुए कहा कि नामदेव को भले ही विष्णु भगवान ने 36 बार दर्शन दिए, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नामदेव को संत विशोभा को अपना गुरु बनाना पड़ा। कथा के दौरान नारायण भजनों की प्रस्तुतियों पर भक्तों ने जमकर नृत्य किया और प्रभु भक्ति में लीन हो उठे। कथा में 121 जोड़े संकल्प लेकर विष्णु पुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो अब बाकी बचे 5 दिनों तक नियमित कथा सुनेंगे। बेटा तुम भगवान के पास जाओ तो भगवान से कहना है भगवान हमें अपनी गोद में बिठा लो। ध्रुव जी वन में जाते हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। मार्ग में ध्रुव जी को सदगुरु का दर्शन हुआ। कोई बिना गुरु भगवान को प्राप्त कर सकता ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए हम स्तुति में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो। गुरु बिना किसी को ज्ञान संस्कार। ये बालक उसने प्रणाम किया, नारद जी ने कल्याण मस्तु तस्मात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुभम पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदारे। आप जाइए मधुवन में बैठकर आप देखिए। बहुत बार सुनाते हैं एक आदमी था थोड़ा सा, पूरे नगर के लोग उनके पास जाते हैं, चलो वणा के जाऊं वणा ने कूला गुरु जी मैंने दीक्षा दो मारो उद्धार करो। जैन जागृति सेंटर महिला शाखा द्वारा मंगलवार को भुवाणा स्थित भैरव बाग में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेंटर की संस्थापिका पिंकी मांडावत ने बताया कि महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, इसलिए साल भर में इस तरह के आयोजन कर महिलाओं को सेंटर आजादी से जीने का मौका देता है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रतियोगिता में चेयर रेस, बॉल रेस, स्पून रेस सहित कई तरह के इंडोर और आउटडोर खेल महिलाओं ने खेले। आयोजन में 70 से अधिक महिलाओं ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान चेयर रेस में मोनिका मांडावत, बॉल रेस में अलका लोड़ा, ग्रुप और स्पून रेस में वंदना डामोर प्रथम रहे। आयोजन में सेंट्रल अध्यक्ष सुशीला मेहता, महामंत्री कुसुम सहित कई महिलाएं मौजूद रही। आज मकर संक्रांति का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया गया। करीबन 70 सदस्यों ने यहाँ पर भाग लिया। इसमें बहुत ही महिलाओं ने चेयर रेस, बलून रेस, बॉल रेस, तरह तरह के हमने गेम्स खेले। मकर संक्रांति का पर्व भी एक उत्साह का और अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए, तो हमने भी यहाँ पर बहुत प्रतियोगिताएँ रखी और सभी महिलाओं ने बहुत उत्साह से भाग लिया। और हर वर्ष हम ये मकर संक्रांति का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं और इस वर्ष भी हमने बहुत धूमधाम से मनाया। झीलों के शहर उदयपुर के ऐतिहासिक पतसागर के पास सोमवार शाम को देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। दरअसल सैन्य दिवस के उपलक्ष्य में आज उदयपुर के हवेली परिवार की ओर से फतेहसागर झील किनारे सैनिक सम्मान समारोह एवं देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। झील के ओवरफ्लो प्वाइंट के पास आयोजित हुए इस कार्यक्रम में उदयपुर के कई शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में एकलिंगर छावनी के सैनिक और 20 पूर्व सैनिकों को भी चक्र और तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में सैनिक और शहरवासी झील किनारे मौजूद रहे। हवेली परिवार की ओर से हर वर्ष सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं देशभक्ति की सांस्कृतिक संध्या में कई बच्चों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। पौधा दे करके हवलदार दुर्गा शंकर जी पालीवाल, जो कि वीर चक्र से नवाज, प्रद्युमन सिंह निगड़िया, उनसे निवेदन करूंगा कि हवलदार दुर्गा शंकर जी पालीवाल को उपरना उड़ाकर उनका स्वागत करें। दोस्तों तशांत सिंह चुंडावत, जो कि शौर्य चक्र से नवाजे गए हुए, गोविंद सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मेजर प्रश्न तो देखकर उनका स्वागत करें। वीर चक्र दुर्गा शंकर जी पालीवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह मास्टर वारंट ऑफिसर केएल राव जी को आज सेना दिवस के उपलक्ष्य में हमने सैनिक सम्मान समारोह और साथ ही देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या रखी है, उसमें हम लोग ब्रिगेडियर रणसिंह राणावत कीर्ति चक्र को सम्मानित किया है, साथ ही शहीद अभिनव नागौरी की फैमिली को, अर्चित वाटे की फैमिली को सम्मानित किया और साथ ही यहाँ पे देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया।
अप्रोक्स 25 पीपल्स को हमने यहाँ पे आर्मी पर्सन को सम्मानित किया है यहाँ पे। उनको जिनको चक्र मिल चुके हैं, जो कारगिल में युद्ध लड़े हैं, जो वॉर लड़ी है अपने इंडिया के लिए, उन्होंने उनको सबको चूज करके हमने सम्मानित किया है यहाँ पे। और जो शहीद हुए हैं अपने यहाँ के देश के लिए, उन्होंने सम्मानित किया है यहाँ पे। रायपुर के खेरवाड़ा में मंगलवार को ब्रह्म परशुराम अखाड़ा एवं प्रतिष्ठित ब्राह्मण संगठनों द्वारा भगवान परशुराम यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि यात्रा 5 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र से शुरू हुई, जो कुरुक्षेत्र पहुंचकर इसका समापन होगा। पूरे भारत में कुल 111,000 किलोमीटर लंबी यात्रा कर देश के 687 जिला मुख्यालयों व 4,000 कस्बों व गांवों तक पहुंचेगी। इस यात्रा का उद्देश्य भगवान परशुराम की गौरवमयी शौर्य गाथा का संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार करना है एवं समस्त ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधे रखना है। इस यात्रा का स्वागत आचार्य राजेश्वर के नेतृत्व में विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं एवं ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। स्वागत के दौरान एक सभा आयोजित की गई, जिसको आचार्य राजेश्वर ने संबोधित किया। जवास चोखला के त्रिवेदी में बड़ा ब्राह्मण समाज जवास चोखला के हमारे अध्यक्ष दोनों ही आप पधारे। यहाँ पर विराजे हुए समस्त विप्रजन, आप समस्त जो यहाँ पधारे हैं, अपने अपने क्षेत्र में श्याम जी खांडल जो महंत थे मंदिर श्री युगल किशोर जी, युगल पीठ लालसोट और कामाख्या शक्तिपीठ गलता के जयपुर के, उनके पुत्र रूप में हुआ। आयुर्वेद योग और संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ वर्षों कार्य किया आपने, परंतु भगवान को इनसे अपना गुणगान करवाना था, इसलिए भगवान की कथाएं कहने लगी। आप पूर्व में जयपुर से आए, संपूर्ण भारत की यात्रा करेंगे, जिसमें हमें 111,000 किलोमीटर के लगभग की यात्रा का कार्यक्रम हमारा तय किया गया। लेकिन अभी लगभग 10 महीने से अधिक की यात्रा करते करते ये यात्रा केवल भारत की यात्रा नहीं रही है, क्योंकि भारत के साथ ही साथ नेपाल, भूटान और मॉरिशस, इन तीन और देशों की यात्रा का भी कार्यक्रम तय हो चुका। तो अभी तक जिन देशों में यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ, वहां तो इसी रथ के साथ जाने की अनुमति स्वीकृति मिली है। भारत में लगभग 12,000 से अधिक गांव, कस्बों और शहरों तक पहुंचने वाले हैं और इसी कड़ी में लगभग। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। राजनीति में भाजपा से भी भारी निकली उदयपुर की खाकी। थप्पड़ विवाद की जांच करने वाले अधिकारी पहले से थे अवकाश पर, आखिर कहां गए सीसीटीवी फुटेज। कालीवास प्रधान पुष्कर देली के विरोध में वाल्मीकि समाज ने दी राज्य स्तरीय आंदोलन की चेतावनी। गोगुंदा के राजपूत और भाजपाइयों ने किया अपने प्रधान का समर्थन, कांग्रेस पर लगाए फंसाने के आरोप। स्मार्ट सिटी के बिगड़े हालातों को देख पर्यावरण प्रकोष्ठ ने मुंह पर रुमाल बांध किया विरोध। सिवरेज लाइंस की वजह से बिगड़ी शहर की फिजा। और केंद्रीय रेल सेवक ने किया उदयपुर स्टेशन का औचक निरीक्षण। मोलेला आर्ट देख हुए अभिभूत। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।